औरत का फैसला। नैतिक मूल्यों से ये कहानी भले ही आपको इंसाफ करती ना दिखे, लेकिन जिम्मेदारियों की नजर से देखेंगे तो शायद कुछ समझ में आए। ये क्या है बहू, सुबह से घर का काम करती रहती है, फिर ऑफिस जाती है और बच्चों में लगी रहती है। पर ऑफिस क्यों नहीं छोड़ देती, या फिर घर के लिए कोई नौकरानी रख ले। कैसी बात कर रही है माँ, जानती तो है ना अभी इनके ऊपर कितना लोन है। थोड़ा ही सही मदद कर देती हूँ तो अच्छा लगता है, और अभी उनको मेरे पैसे की जरूरत भी तो है। सुधा चंदर को बचपन से प्यार करती थी। एक ही मोहल्ले में खेल कूद कर बड़े हुए दोनों। जहाँ सुधा संपन्न परिवार से थी, तो वहीं चंदर का परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझता ही रहा। लेकिन सुधा की जिद के आगे किसी की नहीं चली। सुधा, कल ऑफिस जल्दी जाना है और 2 दिन के लिए गुजरात ऑफिस के काम से भी जाना होगा। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, बहू को अगले महीने बच्चा होने वाला है, इस वक्त तो उसके साथ रहे। अरे कोई बात नहीं ना माँ, उनको जरूरी काम होगा, वरना मेरा चंदर ऐसे वक्त में मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। चंदर सुबह घर से निकलता तो आधी रात को घर में घुसता, वो भी शराब के नशे में। चंदर की माँ उसे खूब समझाती। अरे माँ देख रही हो ना कितना कर्जा है सर पर, काम करना पड़ता है, दिन रात काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा। अरे लेकिन बहू को भी तो देख लिया कर, इस हालत में भी घर का बाहर का सारा काम करती है। चंदर तो जैसे माँ की बात सुनकर भी अनसुना कर देता है। ऑफिस के बाद चंदर का फोन माँ के पास आता है। माँ वो ऑफिस के काम से आज रात के लिए पास के शहर के ऑफिस जाना पड़ रहा है, कल सुबह आ जाऊंगा। सुधा रात को कमरे में सो रही होती है कि उसके पेट में दर्द होता है। सुधा चंदर को वीडियो कॉल करती है। इनको फोन कर लो, शायद कुछ आराम मिले। लेकिन 10 बार फोन करने पर भी वो सुधा का फोन नहीं उठाता। ऑफिस के काम से गए हैं, हो सकता है बिजी हो, कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। सुधा सो तो जाती है, लेकिन अकेले उसे कमरे में डर लगता है। अगले रोज चंदर घर आता है, जहाँ सुधा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तुम आज भी ऑफिस जाओगे, कल रात भर तो ड्यूटी की है, थक जाओगे, छुट्टी ले लो ना। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा रुको, मैं जल्दी से तुम्हारा खाना और नाश्ता बना देती हूँ। बेचारी सुधा ऑफिस जाना छोड़कर लग जाती है पति के लिए खाना बनाने, उसके कपड़े प्रेस करने और जरूरत का सामान मुहैया कराने के लिए। हो सके तो रात की ड्यूटी मत लिया करो ना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार क्या है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि तुम ही अकेली हो जिसे बच्चा होने वाला है। इतने लोगों के पति जो काम के सिलसिले में बाहर होते हैं, उनका क्या। सुधा को चंदर के मुंह से ये बातें अजीब लगती है। अरे हुआ क्या है तुमको, पहले तो तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, मेरे पास रहते थे, मेरी दवा से लेकर खाने पीने तक का सारा ख्याल, और अब इस बार तो तुम एक दफा भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं आए, क्यों। अरे पागल हो गई हो क्या, पागल वाली बात कर रही हो। काम धंधा देखो या फिर तुम्हें लेकर टहलता फिरूं, और मुझे इस शुक्रवार की रात को काम से निकलना है, सोमवार आऊंगा। सुधा को समझ में नहीं आता कि क्यों अचानक से चंदर को फील्ड का काम मिल गया है। लेकिन एक दिन, सुधा मैं और चंदर जरा एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, घर में अकेली कैसी रहोगी। अरे नहीं नहीं, इस हालत में इसे लेकर जाना ठीक नहीं है। अरे लेकिन मैं ऑफिस भी तो जाती हूँ, फिर घर में अकेले। चंदर उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो सीधा कार निकाल कर माँ को लेकर चला जाता है। सुधा घर के काम में लग जाती है कि अचानक उसकी नजर चंदर के बैग पर पड़ती है, जिसमें एक कागज दिखाई देता है। इनके कागज भी ना इधर उधर फैले होते हैं, एक भी खो जाएगा तो बवाल करेंगे। लेकिन जैसे ही सुधा वो कागज खोलकर देखती है तो वो सदमे में आ जाती है। दरअसल वो कागज नहीं, बल्कि चंदर और उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की चांदनी की गोवा की टिकट होती है। सुधा चंदर के बैग को खोलकर देखती है तो उसे होटल के बिल से लेकर महंगे गिफ्ट्स और दूसरे शहरों के टिकट मिलते हैं। सुधा को समझते देर नहीं लगती कि उसका पति किसी और लड़की के साथ है। चंदर के आने पर सुधा उससे बात करती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको गलत फहमी हो गई है। लेकिन जब सुधा के सवाल तीखे हो जाते हैं तो चंदर को अपनी गलती माननी पड़ती है और वो सुधा से माफी मांग लेता है। सुधा फैसला कर लेती है कि वो चंदर को छोड़ देगी। बच्चे और सामान को लेकर वो घर से निकल ही रही होती है कि सास उसे रोकती है। कहाँ जाएगी बेटा, रुक जा। चंदर को सुधा का जाना खल नहीं रहा था, वो झूठे मुंह भी उसे रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। सुधा चंदर को देखती है और मायके चली जाती है। मायके में माँ कहती है,
अरे ऐसे कैसे घर छोड़कर आ गई? कौन सा चंदर तुझे छोड़ रहा था? माफी तो मांग ली थी ना। देखो बेटा, बेटी डोली में जाती है और अर्थी में ही निकलती है। पर पापा, मेरा आत्मसम्मान, उसका क्या? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस लायक बनाया कि मैं खुद का खर्चा उठा सकूं, बेटी को पढ़ा सकूं, एक अच्छा जीवन पाऊं। अरे लेकिन पति की जरूरत तो होती है ना सुधा दीदी, और अगर आपको नहीं है तो इस बच्ची का सोचो जो अपने पिता से इस कदर जुड़ी है। आने वाले बच्चे की सोचो जिसके आने से पहले ही आपने पिता का प्यार से दूर करने की सोच ली। सुधा फोन देखती है लेकिन चंदर का कोई कॉल नहीं होता। वो समझ नहीं पाती कि अपने आत्म सम्मान के बारे में सोचे या बच्चों के बारे में। मम्मी, हम नाना नानी के घर से दादी और पापा के पास कब जाएंगे? नहीं जाएंगे बेटा, अब यहीं रहेंगे। नहीं मम्मी, मैं पापा के पास जाऊंगी, मुझे दादी के साथ रहना है। और मेरे साथ? हाँ, आपके साथ भी तो, सबके साथ माँ। देखो सुधा दीदी, आपके सर पर पिता का साया होना जरूरी होता है। अपने घमंड के लिए पिता और बेटी को अलग मत करो। सुधा अब सामान उठाकर अपने ससुराल जाने लगती है लेकिन मन में सवाल रह जाता है कि जिसे दुनिया घमंड समझ रही है वो उसका आत्म सम्मान था। चंदन ने माफी जरूर मांग ली लेकिन कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि वो सिर्फ उसी का है।